ये है जी हमारा देसी घास पाकिस्तानी, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वैसे तो इसका बीज कोई नहीं बनाते, इसकी जड़ें ही आगे शिफ्ट करते हैं, लेकिन जो रकबा सेम थोर वाला है जहाँ पे वाटर लेवल ऊपर है और इस तरह देख रहे हैं ज़मीन जो है वाइट वाइट हो रही है, जो नमकियात हैं वो ऊपर आई पड़ी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा रकबा है। यहाँ पे इस घास के अलावा कुछ भी नहीं होता। और मज़े की बात है कि चंद साल अगर ये घास किसी रकबे में उगा लिया जाए तो ये उसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा इसके बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक हमारा एकड़ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता था, इस तरह था वो बिल्कुल। तो 2 साल हमने ये घास लगाया वहाँ पे, और उसके बाद अब वहाँ पे हर चीज़ उगती है, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो एकड़ जो है वो तैयार हो गया है। तो ये घास आप लाजमी लगाएं अगर आपका रकबा इस तरह का है। तो एक तो जानवरों का फ़ायदा है, जानवर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, और दूसरा इसमें जो ज़मीन की इसलाह है वो इससे हो जाती है। इसमें अगर आप रोड ग्रास का बीज मिक्स कर लें, ये घास भी लगा दें साथ रोड ग्रास भी लगा दें, तो फिर और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप ये लाजमी चेक करें।